हेलो एवरीवन, यस। तो आज की कहानी है उस शख्स की जिसने अपनी जर्नी 10,000 टू 1600 करोड़ तक लेके गया। वो पर्सन जो फार्मर का बेटा था, वो पर्सन जो 10 तक ही पढ़ा था, वो पर्सन जो गुजरात के जामनगर में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। यस दोस्तों, तो आज की ये कहानी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेल नोन ब्रांड है, या कहीं ना कहीं दिन में हमने या बहुत बार हमने वो ब्रांड देखा हुआ है। यस, हम बात कर रहे बालाजी वेफर्स की। बहुत सारे लोगों को बालाजी वेफर्स नाम सुन के ब्रांड तो पता चल गया, लेकिन इसके पीछे की सक्सेस कहानी क्या है वो बहुत सारे लोग अभी अननोन है इस बात से। तो यस दोस्तों, चंदू भाई इनकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चंदू भाई अपने आप में ही एक मिसाल है कि लोग अगर अपने ड्रीम्स पे, अगर लोग अपने ख्वाबों पर भरोसा रखे तो वो कहाँ से कहाँ जर्नी को मतलब हो सकता है सक्सेस पा सकते हैं करके। अब हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं, चंदू भाई का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था और उनका एक फार्मर परिवार में हुआ था। तो लेकिन जामनगर में क्योंकि उस दिनों बारिश की अच्छी बारिश नहीं हो रही थी, तो फार्मिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया था। तो फिर चंदू भाई के डैडी ने डिसाइड किया कि वो फार्म बेच देते हैं और उनके जितने भी भाई है, मतलब उनको और तीन भाई थे, तो तीनों चारों भाई में और 20,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे करके। चंदू भाई ने अपना फर्स्ट बिजनेस लाइफ का, यस, उन्होंने अपना खेत बेच के जो बिजनेस चालू किया 20,000 कैपिटल से, उन्होंने जो फार्म से इक्विपमेंट होते हैं, यस, खेती के जो औजार होते हैं, वो खरीद के उसके बिजनेस उन्होंने चालू करने का सोचा। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का दिमाग कहीं ना कहीं उनको वही से था कि भाई गुजराती दिमाग ना, धंधा करेंगे और बढ़ेंगे, ये से। तो दैट्स व्हाई कि वो बिजनेस माइंड उनका तभी से था। उन्होंने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया और फार्मिंग के इक्विपमेंट खरीदे, लेकिन दोस्तों उनके साथ वहां पे एक धोखा हो गया था कि जो भी फार्मिंग इक्विपमेंट उन्होंने जिनसे खरीदे थे, उन्होंने डुप्लीकेट नकली इक्विपमेंट उनको दे दिए थे करके, नकली औजार उनको दे दिए थे। तो अब उनका वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। तो 1972 में उनके साथ ये जो हादसा हुआ था, 1974 में वो राजकोट गए। राजकोट में अभी उनको जॉब के ढूंढने में अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और राजकोट में तभी एक नया सिनेमा हॉल ओपन हुआ था, वहां पे वो कैंटीन में जॉब को लग गए। कैंटीन में वो काम करते थे, चिप्स बनाते थे, और वो उनके भाई बहुत डेडिकेशन से वहां पे उस कैंटीन में काम करते थे, तो उनके मालिक ने उनको कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। अब दोस्तों ये जर्नी वहां से चालू हो गई चंदू भाई की। फिर वो बहुत दिनों उन्होंने वहाँ पे सब चीज़ों को, अपने चिप्स को सर्व किया। फिर उन्होंने घर पे वो बिजनेस चालू कर दिया, मतलब थोड़े थोड़े लेवल पे चिप्स बनाते थे और मार्केट में बेचने चले जाते थे करके। अब जब उनको ये चीज 1989 की बात है, उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे सोचा कि ये चिप्स के प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, यस, पोटैटो चिप्स को। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बंदे को अपने यहाँ पे काम पे रख लिया। अब होता ये था कि जब वो बंदा नहीं आएगा तो फिर कोई चिप्स नहीं बनेगा। वो बहुत बंदा बहुत बार छुट्टियां मारता था, बहुत बार आता ही नहीं था, और इससे कस्टमर की डिमांड को पूरा करने में चंदू भाई को बहुत सारी दिक्कतें आती थी। और एक बार चंदू भाई ने डिसाइड किया कि अगर वो नहीं आता तो मैं नहीं रुकूंगा, वो खुद उस प्रोडक्ट को बनाने लगे, और वो तेल में पोटैटो डाल के चिप्स सेलने लगे। रात रात उनके एक इंटरव्यू में चंदू भाई ने कहा है कि एक टाइम ऐसा था कि वो रात रात भर चिप्स को तलते थे खुद, और फिर पैकिंग करके मार्केट में जो लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते थे करके। अब इस सिनेरियो में बहुत बार तो ऐसे हुआ इनिशियल टाइम में कि बहुत सारे चिप्स जल जाते थे और उनको लॉस हो जाता था। दोस्तों बालाजी नाम रखा तो सही इंडस्ट्री का, लेकिन इनिशियली वो जब पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे तो बहुत सारे बायर, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर हम बोल सकते हैं, जो दुकानदार होते हैं, ट्रेडर, वो उससे पैकेट को खरीदने से मना कर देते थे। बहुत बार ऐसे होता था कि वो पैकेट रिटर्न कर देते ड्यू टू के पैकेट खुला हुआ है, और पैकेट का कि पैकेट में माल खराब हो गया है, ये बोल के। और दोस्तों जब ये चल रहा था 1990s में, तब आपको बिलीव नहीं होगा कि मार्केट में बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज, पेप्सिको वगैरह, इस कंपटीशन में थी और ये पैकेट फूड, सॉल्टी पैकेट फूड बेच रही थी करके। अब उस जमाने में कंपटीशन और तब लोगों का शायद ये मानना था कि जो पैकेट फूड होता है वो बासी होता है करके, वो नहीं खाना चाहिए। ऐसे उन जमाने में, मतलब जमाना मतलब 20 साल पहले थिंकिंग कहीं ना कहीं हुआ करती थी लोगों को। तो इतने ऑड्स इवेंट से गुजर के, इतने हार्ड टाइम से गुजर के, उन्होंने लोगों के पास जाके अपने ब्रांड का एक आइडेंटिटी और टेस्ट
इतना अच्छा दिया कि लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना चालू किया। तो इसीलिए 1989 में उन्होंने अपना पहला प्लांट जो इस्टेब्लिश किया वहां पे राजकोट के जेडीसी, यस गुजरात मतलब जेडीसी, वहां पे उन्होंने अपना पहला प्लांट डाला बालाजी करके, और फिर वहां से उनका जर्नी का शुरुआत हो गया। दोस्तों आज बालाजी के 4 प्लांट है ऑल ओवर इंडिया, उनके पास 2200 से ज्यादा इंप्लॉइज है, जिसमें 60% तक अराउंड वुमन इंप्लॉइज है। दोस्तों ये जो फूड मार्केट है करीब करीब इस फूड मार्केट 50,000 करोड़ में इंडिया का फूड मार्केट है, जिसमें आप देखोगे तो सॉल्टी स्नैक का 60% आता है और पोटैटो स्नैक्स का 40% आता है। बालाजी ने 4 स्टेट में मेजोरिटी अपना शेयर, बोलते ना कि मार्केट शेयर बहुत बड़े लेवल पे लिया है, जैसे गुजरात में 65%, महाराष्ट्र में 50%, राजस्थान में आप देखोगे तो 35%, एंड मध्य प्रदेश में 25%। लेज हो गया, फिर बहुत सारे पार्ली हो गए, इन प्रोडक्ट को बालाजी ने बहुत बड़े लेवल की टक्कर दी है। कोई ये इंटरनेशनल कंपनी सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटा आम इंसान इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को हिला देगी। तो दोस्तों आज उनका टर्नओवर 1600 करोड़ के ऊपर चला गया, और ये सब चीजें ये दिखाती है कि कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होता। अगर वो डिसाइड करे, अपने ड्रीम से वर्क करे, स्ट्रैटेजी से काम करे, तो डेफिनेटली वो सक्सेस पा सकता है। और स्ट्रैटेजी से काम करे मतलब क्या? यस, बालाजी का सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉपर रखना। गाँव के छोटे से छोटे दुकान पे बालाजी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, भले वहां तक पहुंचाने को वो प्रोडक्ट उनको कॉस्ट भले ज्यादा लगे। ये चीज भी यस चंदू भाई ने अपने इंटरव्यू में कही थी, जो मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि अगर मेरे को 15% कॉस्ट लग रहा है वो चीज वहां तक पहुंचाने को, और 10% प्रॉफिट मिल रहा है, तो भी मैं वहां पे पहुंचा होगा, ताकि लोग मेरे कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को मांगे, उनको नहीं मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज आप ये चीज ऑब्जर्व भी करते होंगे कि ऐसा कोई दुकान नहीं है जहां पे आपको बालाजी के वेफर्स ना मिले, और बहुत रेयर हो गया अगर नहीं मिले तो, दैट्स द पॉइंट। तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग हुआ कि उनको वो चीज सक्सेस पाने में बहुत बड़ी हेल्प की उन्होंने। दोस्तों पैथलिकों ने एक बार बालाजी को टेक ओवर करने का भी ट्राई किया था, लेकिन बालाजी टस्सेमस नहीं हुआ, मतलब चंदूभाई टस्सेमस नहीं हुए, और उन्होंने अपने दम पे उस फैक्ट्री को आगे लेके गए। आप उनका प्रोसेसिंग देखो, मतलब उन्होंने अपने वर्कर्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया, और इस तरह से आज चंदूभाई एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं इस पोटैटो चिप सेक्टर में। बालाजी के बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत उन्होंने अलग अलग सेक्टर में अपने नए नए फूड में उन्होंने मतलब अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग चीजें उन्होंने ट्राई की, एंड दैट्स द पॉइंट, इसलिए उनका सक्सेस फैक्टर बहुत बड़ा हो गया। दोस्तों 600 से ज्यादा डीलर्स है आज बालाजी के। तो ये एक पर्सन जो फार्मर था, ये एक पर्सन जो बालाजी का ओनर है, ये जो डिस्टेंस था ये सिर्फ ख्वाबों का था, ये डिस्टेंस था ये सिर्फ सोच का था, ये डिस्टेंस था ये सिर्फ खुद पे भरोसा रखने का था। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने का ये एक स्टोरी था। होप सो आपको ये पसंद आया रहेगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, हो सके तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।